कहते हैं उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है, और आज का सूरज कोई और नहीं अपना देश हिंदुस्तान यानी कि भारत है, जिसको पूरी दुनिया सलाम कर रही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं जानेंगे। और चीन, जो कि भारत को वीटो पावर देने के खिलाफ था, उसकी बोलती आखिरकार अचानक क्यों बंद हो गई जानेंगे पूरा अपडेट विस्तार से। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, सुरक्षा परिषद यानी कि यूएन के वर्तमान स्थायी सदस्य यानी P5 अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम विश्व के पुराने शक्ति संतुलन को दिखाते हैं, जिसमें 1995 के बाद का वैश्विक परिदृश्य अधिक दिखाई देता है। लेकिन 21वीं सदी में जब भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी जैसे देशों का उदय हो चुका, तो यह जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा परिषद का ढांचा इस नए विश्व समीकरण का प्रतिनिधित्व करें। इसी कड़ी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अब अमेरिका ने तगड़ा ऐलान कर दिया है कि उसका समर्थन भारत को है और भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में सुधार के संबंध में नए प्रस्ताव पेश किए हैं। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि अमेरिका ने हमेशा से भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे देशों का समर्थन किया है। इसे G4 के नाम से जाना जाता है। यह समूह संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन करता है और इन चार देशों को परमानेंट यानी स्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित करने का पक्षधर भी अमेरिका हमेशा से रहा है। विशेष रूप से भारत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बढ़िया आबादी वाला देश है और सुरक्षा परिषद में उसकी भागीदारी पूरी तरह से आवश्यक है। उनका कहना था कि भारत को सदस्यता देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं बनता। यह बयान भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक समर्थन है, क्योंकि अमेरिका जैसा महाशक्ति वाला देश अगर सुरक्षा परिषद के परमानेंट सदस्यों में भारत को सम्मिलित करने की बात करता है, तो इससे वैश्विक मंच पर भारत की साख और भारत की मजबूती का पता चलता है। यह भारत की वैश्विक भूमिका को न केवल मान्यता देता है, बल्कि इसे अधिक मजबूत बनाता है। भारत ने अब तक वैश्विक शांति और सुरक्षा के मुद्दों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वह शांति अभियानों में भाग लेना हो, आतंकवाद के खिलाफ, या फिर वैश्विक संघर्ष हो, या फिर जलवायु परिवर्तन का मामला हो, या फिर सतत विकास के साथ जुड़े हुए मुद्दे हो। भारत ने हमेशा से एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में काम किया है। भारत के पास परमाणु क्षमता होने के बावजूद उसने कभी भी आक्रामक रुख नहीं अपनाया, और अपने पड़ोसी चीन हो या पाकिस्तान, सभी के साथ शांति स्थापित करने की तमाम कोशिशें की। लेकिन अगर कोई नहीं मानता तो भारत उसका माकूल जवाब भी देता है। भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एशिया का प्रतिनिधित्व करेगा, विशेष रूप से दक्षिण एशिया क्षेत्र का, जिसे आज तक स्थायी सदस्यता में उचित स्थान नहीं मिला। भारत की सुरक्षा परिषद में सदस्यता के साथ यह उम्मीद की जाती है कि वह वैश्विक निर्णय प्रक्रियाओं में अधिक संतुलन और न्याय संगत दृष्टिकोण ला सकेगा। हालांकि भारत की परमानेंट सदस्यता के प्रति सभी देश सकारात्मक नहीं है, विशेष रूप से हमारे पड़ोसी चीन। चीन ने हमेशा से भारत के सुरक्षा परिषद में परमानेंट सदस्य बनने का विरोध अपनी आवाज उठाकर किया है। चीन का मानना है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत की अधिक ताकत से उसके अपने प्रभाव को चुनौती मिल सकती है, इसलिए उसने हमेशा से इस मुद्दे पर असहमति जताई है। लेकिन खेल तो कुछ और ही है। चीन को डर सताता है कि भारत कहीं आगे ना निकल जाए। उसे इसके अलावा कुछ अन्य देश भी भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे देश की स्थायी सदस्यता को लेकर अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं। यह देश इस बात से चिंतित हो सकते हैं कि नए स्थायी सदस्य आने से उनके स्वयं के प्रभाव और शक्ति संतुलन में बदलाव पूरी तरह से आ सकता है। भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मुद्दा आज केवल कूटनीति का नहीं, बल्कि वैश्विक न्याय और प्रतिनिधित्व का सवाल भी बन चुका है। अमेरिका का यह समर्थन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे साफ नजर आ रहा है कि भारत को वीटो पावर का सेट अवश्य मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब हम आते हैं अपने पड़ोसी मित्र, अरे नहीं, इन्हें मित्र कैसे कह सकते हैं,
यह तो हमारे साइलेंट दुश्मन है और जिसका नाम चिन्ह है दोस्तों। ये वही देश है जो कि किसी भी डेवलप्ड देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने में आगे है। चीन देश की एक स्पेशलिटी है कि यह किसी भी छोटा देश को फ्री में चीज बताकर उसके ऊपर कर्ज लड़कर उसे देश के ऊपर अपना कब्जा यानी कि आधिपत्य स्थापित कर देना। यह चीन की बहुत बड़ी खूबी है और इसी खूबी में से चीन यह सोच रहा था कि भारत को भी हम काफी बड़े अमाउंट में कर्ज देंगे, जिसे भारत धीरे धीरे कर्ज में दफ्तर चला जाएगा और हम भारत के उन सभी राज्यों पर कब्जा करते हुए चले जाएंगे जो कि चीन बॉर्डर से लगा हुआ है। लेकिन भारत तो भारत है, उसने चीन के सभी प्लान को बहुत आसानी से समझ लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के पास कई कूटनीतिक राजनीतिक है, जैसे कि अजीत डोभाल, डॉक्टर जयशंकर, यह सभी लोग भारत की सीक्रेट एजेंट है जो कि प्रत्येक देश के चहलकदमी के ऊपर नजर रखते हैं। और भारत तो भारत है, इसने चीन से कर्ज लेना मुनासिब नहीं समझा। और तो और, भारत चीन के बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की डील से मन कर दिया है, जिसके कारण चीन बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि चीन ये नहीं चाहता कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में जगह मिले, और चीन ही वह देश है जो भारत के विरुद्ध कई अन्य देशों को भी संयुक्त राष्ट्र में खड़ा कर रहा है। यदि आपको यह बात याद नहीं है तो हम बता दें कि भारत के गलवान में हुए झड़प का एकमात्र रीजन यही है कि वह भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसी एरिया में चीन कब्जा करना चाहता था, जहां पर भारत ने चीनी सी से बखूबी मुकाबला किया और उन्हें लताड़ कर घसीट कर मारकर वहां से चीनी सोल्जर वापस अपने बॉर्डर आ गए। इससे साफ नजर आता है कि चीन जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी देश के ऊपर कर्ज लड़कर उन्हें अपना गुलाम बना ले रहा है, इसी प्रकार से चीन भारत को भी करना चाहता है। लेकिन भारत के राजनीतिक प्लान काफी मजबूत है और यह देखते हुए भारत सरकार ने चीन के प्रत्येक खुफिया नीति के ऊपर पानी फेरा है, और चीन ही वह देश है जो कि कनाडा देश के पीएम को भी भारत के खिलाफ भड़का रहा है, जिसके कारण कनाडा का भी सपोर्ट भारत की ओर कम नजर आ रहा है। लेकिन यहां यह भी स्पष्ट है कि इसे हासिल करने के लिए कई चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। न सिर्फ चीन बल्कि कुछ अन्य देश इसका विरोध करते हैं और परिषद के वर्तमान ढांचे में बदलाव को लेकर अलग अलग देशों की अलग अलग राय हैं। इन सभी मुद्दों को सुलझाना आसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से भारत का सपोर्ट किया है, इसका मतलब यही है कि भारत को उनमें यानी संयुक्त राष्ट्र में पावर मिलने से अब कोई रोक नहीं सकता। ऐसा ज्यादातर राजनीतिक विशेषज्ञ उम्मीद लगा रहे हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में एंट्री देखी जा सकती है। जिस तरह से अमेरिका ने यह बयान दिया है भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर, उस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। और हां, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।